है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट, और प्रीपोजिशन में हमने इन का यूज़ किया, एट का यूज़ किया और अबो का यूज़ किया, और अब जो ऑन का भी यूज़ किया था नेक्स्ट स्टूडेंट, और अब जो हमारा मैटर स्टूडेंट वो है ओवर। ओके स्टूडेंट, ओवर ओवर के बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि ओवर क्या होता है। ओवर मीन्स ऊपर। ओके स्टूडेंट, और क्लोज टू और कवरिंग अनदर थिंग, और ये क्या करता है, ओवर का मीन्स होता है ऊपर, और ये किसी चीज़ को कंप्लीट तरीके से कवर कर लेता है। ओके स्टूडेंट, जैसे टेबल है। ओके स्टूडेंट, टेबल पर अगर हम क्लोथ कपड़ा बिछाएं, ओके स्टूडेंट, तो क्या होता है, वो एक कवर कर लेता है कंप्लीट तरीके से और सरफेस को टच करता है। ओके स्टूडेंट, सरफेस को टच करता है और कंप्लीट तरीके से वो क्लोथ क्या कर लेता है, उस टेबल को कवर कर लेता है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइम पर हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ओके स्टूडेंट, ओवर द चाइल्ड मतलब इट मीन्स कि उस बच्चे को माँ ने क्या किया, द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, कि बच्चे के ऊपर जो ब्लैंकेट था, कंबल था, वो अच्छी तरीके से ढक दिया था। ओके स्टूडेंट, तो ओवर का यूज करेंगे उस टाइम पर हम, द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड्स। ओके स्टूडेंट, जो फ्लैग्स हैं, जो झंडे हैं, वो हमारे सिर के ऊपर से लहला रहे हैं। ओके स्टूडेंट, वेव हो रहे। नेक्स्ट, अक्रॉस और फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कि हम ओवर का यूज स्टूडेंट एक साइड से दूसरी साइड के लिए भी, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं, और किसी चीज़ को अब जब हम पार करते हैं उस टाइम पर भी हम ओवर का यूज करते हैं, अक्रॉस करते हैं उसको। ओके स्टूडेंट, जैसे देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। रिवर के ऊपर क्या है स्टूडेंट, ये रिवर है, और रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है। तो एक स्थान से स्टूडेंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके स्टूडेंट, वी विल गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट टाइम वी विल यूज ओवर, प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देर इज ए ब्रिज ओवर ओवर द रिवर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, कि हमारे शहर के ऊपर से, के ऊपर स्टूडेंट, इसका यूज के ऊपर के अर्थ में भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ओवर का के ऊपर, कि द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ा था। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइम पर हम ओवर का यूज करते हैं, और यहां पर अबव का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अबव का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोर देन ज्यादा उम्र बताने के लिए। ओके स्टूडेंट, ज्यादा बताने के लिए, से ज्यादा, मोर देन मीन्स से ज्यादा बताने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि माय फादर इज ओवर 50 इयर्स, 50 इयर्स से ज़्यादा है मेरे पिताजी, ठीक है, मतलब कि 50 ईयर से ज़्यादा उम्र हो गई है उनकी, तो माय फादर इज ओवर 50। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइम पर हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग, समय के दौरान या दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। ओके स्टूडेंट, तो अब किस प्रकार से यूज करेंगे, वी कैन डिस्कस दिस मैटर ओवर ए कप ऑफ टी। ओके स्टूडेंट, हम चाय के एक कप के दौरान इस मैटर पर चर्चा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से वी कैन डिस्कस दिस मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, एक चाय के कप के दौरान हम इस मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइम पर हम ओवर का यूज करते हैं, तो ओवर का यूज कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट ऑफ, ऑफ, ऑफ का यूज किस प्रकार से किया जाता है स्टूडेंट? ऑफ इज यूज्ड। तो फर्स्ट, सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। एग्जांपल, सी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ओके स्टूडेंट, अभी क्या बता रहा है? सी और स्कूल, आवर स्कूल का जो रिलेशन बता रहा है स्टूडेंट, वो क्या बता रहा है? ऑफ। ओके स्टूडेंट, कि सी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, वह हमारे स्कूल की क्या है? प्रिंसिपल है। और हिंदी में इसका का, के और की का अर्थ निकलता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम के लिए भी स्टूडेंट हम ऑफ का यूज करते हैं कि कोई चीज किससे बनी है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल क्या हमारे पास मेड फ्रॉम, किस चीज से कोई चीज बनती है, तो इस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये ब्रिक्स और स्टोन से ये बिल्डिंग बनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये बिल्डिंग, बिल्डिंग और ब्रिक्स एंड स्टोन्स का जो रिलेशन बता रहा है वो क्या बता रहा है? ऑफ बता रहा है। ओके स्टूडेंट, कि दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। नेक्स्ट, क्वालिटी, क्वालिटी शो करने के लिए भी स्टूडेंट हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री वाज ए मैन ऑफ हाई करैक्टर। ओके स्टूडेंट, क्वालिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। क्वालिटी शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री वाज ए मैन ऑफ हाई करैक्टर। ओके स्टूडेंट, हाई करैक्टर क्वालिटी शो कर रहा है उनकी। लाल बहादुर शास्त्री की जो क्वालिटी है वो शो की थी क्या? ऑफ हाई करैक्टर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट रीजन, रीजन शो करने के लिए, रीजन मीन्स कारण। ओके स्टूडेंट, रीजन शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। Every person dies. Every person dies
या एवरी पीपल डाइज, एवरी पीपल डाइज ऑफ कोरोना, एवरी मंथ, एवरी पीपल डाइज ऑफ कोरोना एवरी मंथ, कि प्रत्येक महीना प्रत्येक महीने कोरोना से क्या हो रहे हैं, लोग प्रत्येक लोग मर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, कोरोना, कोरोना से कारण रीजन क्या है, कोरोना। ओके स्टूडेंट, तो रीजन क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, कोरोना शो कर रहा है। ओके और ऑफ से, ओके स्टूडेंट, रीजन शो करता है ये, ऑफ क्या शो करता है, रीजन शो करता है ऑफ, रीजन, रीजन क्या है, कोरोना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डेट्स, डेट्स तारीख बताने के लिए भी स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, इट इज 30 ऑफ जुलाई। ओके स्टूडेंट, इट इज 30 ऑफ जुलाई, जुलाई की 30 तारीख आज। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये डेट तारीख भी शो करता है ऑफ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डबल ऑफ, डबल ऑफ इज यूज्ड, डबल ऑफ का किस प्रकार से यूज किया जाता है स्टूडेंट, सेपरेशन, पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए किसी चीज को, तो उस टाइम पर हम डबल ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द कश्मीर, कश्मीर इज कट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू स्नो फॉल्स। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है, द कश्मीर इज कट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू स्नोफॉल। ओके स्टूडेंट, कश्मीर क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है भारत के शेष भाग से, और जब बर्फबारी होती है, बर्फबारी के कारण, ड्यू टू मीन्स कारण। ओके स्टूडेंट, और ऑफ क्या करता है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इसे। ओके स्टूडेंट, क्या कर रहा है, सेपरेट, सेपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक ऑफ या टेक योर शूज ऑफ, ये भी क्या है स्टूडेंट, सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है किसी चीज को, किसी चीज से किसी चीज को अलग करना, उस टाइम पर हम ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक योर शूज ऑफ, कि अपने जूते उतारो, तो अलग हो रहे हैं स्टूडेंट, तो इस टाइम पर हम ऑफ का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कम एंड फॉल डाउन, द बॉय
द बॉय फेल ऑफ द स्टेयर्स. द बॉय फेल ऑफ द स्टेयर्स. ओके स्टूडेंट, ऑफ का यूज किया ऊपर से नीचे की तरफ. ओके स्टूडेंट, ऊपर से नीचे की तरफ जब यूज करेंगे तो हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं. द बॉय फेल ऑफ द स्टेयर्स, कि सीढ़ियों से लड़का नीचे गिर गया. ओके स्टूडेंट, तो ऊपर से नीचे गिरा तो इस टाइम पर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, बी साइड. ओके स्टूडेंट, बी साइड मीन्स के साथ, टू साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, साइड ऑफ. ओके स्टूडेंट, के साथ, बी साइड मीन्स के साथ. ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल आवर टीचर इज सिटिंग बिसाइड The teacher is sitting beside our principal. Our house is beside a big park. Okay student, beside means के साथ. Example, the teacher is sitting beside our principal. हमारे principal के साथ अध्यापक बैठे हैं. Okay student, next, our house is beside a big park. हमारा घर एक बड़े पार्क के पास है. Is that clear student? Next, besides. Next है besides. Okay student, beside means to in addition to. ओके स्टूडेंट, बी साइड्स मीन्स के अलावा, के अलावा. एग्जाम्पल, बी साइड्स वर्ड्स ही नीड्स आवर स्पोर्ट. Besides being punished he was fined. Okay student, what is the difference between beside and besides? Beside means पास में, और बी साइड मीन्स के अलावा, किसी चीज, कोई चीज
अगर हमारे पास है तो उसके अलावा भी कोई चीज़ प्राप्त करना, तो उस टाइम पर हम बी साइड्स का यूज करते हैं इन एडिशन टू। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है? बी साइड्स वोट ही नीड्स आवर सपोर्ट, कि वोट के अलावा, ओके स्टूडेंट, वोट के अलावा, वोट्स के अलावा ही नीड्स आवर सपोर्ट, कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट, या मदद की आवश्यकता है। ओके नेक्स्ट, बीसाइड्स बीइंग प्रीस्ट ही वाज फाइन, कि सजा के अलावा उसे उस पर क्या लगाया गया था? जुर्माना भी लगाया गया था। कि बीसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइन, कि सजा के अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट बी साइड और बी साइड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आफ्टर, आफ्टर का यूज स्टूडेंट बाद में भी होता है और पीछे भी होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल, द बस कैम आफ्टर 9 AM, द बस कैम आफ्टर 9 AM, द बॉयज ran after the bus. The bus came after 9 AM, कि 9 बजे के बाद बस आई। तो after means बाद में, 9 बजे के बाद बस आई, तो बाद के लिए स्टूडेंट इसका यूज करते हैं। पास्ट इनडेफिनेट टेंस में किया जाता है स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है ये। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑर्डर, क्रम में। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर में हम आफ्टर का यूज करते हैं, जैसे कि द बॉयज रैन आफ्टर द बस, कि बस के पीछे लड़के दौड़े थे, तो आफ्टर मींस पीछे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा है विद, विद मींस इन कंपनी, साथ में, साथ। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट with his father. He is going to market with his father. वह अपने पिता के साथ market जा रहा है, तो it means साथ में। Okay student, with means साथ में, company so करता है। Next, my friends talk with me and walk with me. My friends talk with me and walk with me. Okay student, मेरे जो मित्र हैं वो मुझसे, मेरे साथ बात करते और घूमने मेरे साथ जाते हैं। Okay student, चलते हैं। तो यहाँ पर with का यूज साथ के लिए हुआ है, is that clear student? तो इस प्रकार से विद का भी यूज कंप्लीट होता है स्टूडेंट। विद का यूज स्टूडेंट
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करेंगे. ओके स्टूडेंट, और टेक केयर, बाय फॉर नाउ.